बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हज़रत आलाए मंज़ूर करबला, मैं हूँ आपका मेज़बान बाकर ज़ैदी, मेरा सलाम कबूल कीजिए। आज हमें ये खुश नसीबी है कि इस वक्त हम मौजूद हैं हरम हज़रत अबुल फजील अब्बास में, और ये सहन हज़रत अबुल फजील अब्बास के पीछे जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं, ये मरकज़ी दरवाज़ा है, और इस दरवाज़े के साथ ही बाबुल हवाइज हज़रत अबुल फजील अब्बास की कब्र अक़दस है। और क्योंकि आज अरबईन है, यहाँ चेहलुम है, इसलिए पूरी दुनिया से लोग, अब इस फजर की नमाज़ ख़त्म हुई है, लोग जौ दरजोग यहाँ आ रहे हैं। इन अज़ादारों में, इन मोमिनीन में और इन जफ़ारों में पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं। इसके अलावा सियासी और गैर सियासी भी लोग मौजूद हैं, मनकबत खान, नौह खान, जाकिरीन और उलमा भी मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के MPA मदद चाहता हूँ। इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान के MPA जनाब रज़ा अली भाई मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि जब ये करबला आए तो इनकी क्या कैफियत थी। सामने तो थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, बल्कि थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि हमारा जो साउंड है पीछे बहुत शोर हो रहा है, सही तरीके से जा सके। रज़ा भाई, क्या कैफियत है, क्या फीलिंग है इस वक्त? आप दरे अबुल फजील अब्बास में हैं और यहाँ से आप इस वक्त पूरी दुनिया में लाइव देखे जा रहे हैं। ये एक ऐसा इवेंट है, और यहाँ पे जब नजफ़ पहुँचता है और अरबईन के लिए इरादा करके घर से निकलता है, तो पहले तो ऐसे लगता है कि शायद बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, कि एक 80 किलोमीटर की वॉक है, उसके बाद फिर रहने का, रिहाइश का कहाँ पे होगा। कुछ लोगों ने इंतज़ाम किए हुए होते हैं, बहुत सारों ने नहीं किए हुए होते, और यहाँ पे आके बिल्कुल ही दुनिया बदल जाती है, और ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने आपके लिए और इन मासूमीन के सदक़े आपके लिए ऐसे राहें और रास्ते खोलता जाता है, कि जब नजफ़ से उतरने के बाद, वहाँ से अपनी ज़ियारत के बाद मिशी शुरू की, तो वो वॉक और उस वॉक में चलना और लोगों की मोहब्बत, जो गली गली में, कूचे कूचे में हर बंदा मिन्नतें कर रहा है आपसे कि आइए हमारे पास ठहरिए, आइए हमारे पास खाना खाइए, आइए अपने पैर दबाइए, आइए नहा लीजिए, मुंह धो लीजिए, ये मोहब्बत जो नज़र आती है उससे दिल, बल्कि मैं कहता हूँ कि उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, कि 3 करोड़ से ज़्यादा, मैं तो कम एक फ़िगर कह रहा हूँ, लेकिन जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं कि जिसमें 4 करोड़ से ज़्यादा लोग, 5 करोड़ तक आवाम अरबईन पे यहाँ पे मौजूद होती है, और वो आने के बाद उनका चलना, रहना, खाना पीना, नहाना, हर चीज़ का इंतज़ाम इतने एहसन तरीक़े से, इतनी प्यार से, इतने मोहब्बत से किया हुआ होता है, और जो डिसिप्लिन यहाँ पर नज़र आता है, ये अपने घर की तरबियत तो अपनी जगह पे, लेकिन मौलाए कायनात के सदक़े और उनकी मोहब्बत का अक्स भी नज़र आता है इसमें, कि जिस तरह, जिस तंजीमी नज़्म व ज़ब्त के तहत लोग चल रहे होते हैं, और एक दूसरे से धक्के अगर लगता भी है तो वो दूसरे से माजरत कर रहा होता है, और धक्का यूजली देखते भी नहीं है, कंधे से कंधा टकरा जाता है तो दूसरा उसके धूप में चेहरे पे प्यार करता हुआ गुजरता है, तो ये मोहब्बत, और पूरी दुनिया से लोग आए हुए होते हैं वो मोहब्बत देखने के लिए, वो समझने के लिए, यहाँ पर आना मैं समझता हूँ कि तकरीबन पूरी उम्मत का, हर रिलीजन का, हर एथनिक बैकग्राउंड का, हर सोशल स्टेटस का अपना अपना उनको इरादा करना चाहिए, और मौला आप सबको इसकी ज़्यारात की तौफीक भी अता फरमाए, और यही कंटिन्यूटी जो है, अब जैसे आया मैं तो इसमें मैंने इस दफ़ा देखा कि यूथ, ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है, बेशुमार नज़र आए, और ये मोहब्बत जो हमारी यूथ में अहले बैत के लिए आ रही है, इससे कम से कम मुझे हौसला है, और मुझे एक इत्मीनान है कि शियत बरकरार है और इंशाअल्लाह ताला बरकरार रहेगी। अच्छा रज़ा भाई माशाल्लाह, आप क्योंकि मेंबर कौमी असेंबली हैं, नेशनल असेंबली है, और वहाँ पर ज़ाहिर बात है बोलना और समझाना बड़ी अहमियत रखता है। एक बात बताइए, दुनिया में जहाँ भी देखा गया वहाँ देखा गया कि भूख जब लगती है, प्यास लगती है, तो लोग हाथ जोड़ते हैं,
کہ خدا کے واسطے ہمیں کھانا کھلا دو، خدا کے واسطے ہمیں پانی پلا دو. یہ واحد سرزمین ہے جہاں لوگ ہاتھ جوڑتے ہیں کہ خدا کے واسطے ہمارا کھانا کھا لو، خدا کے واسطے ہمارا پانی پی لو. یہ ایک نظام ہے، کیونکہ آپ پاکستان کی پارلیمنٹ میں بھی ہیں، تو آپ ذرا وضاحت کیجئے کہ یہ کیا عجیب فلسفہ ہے کہ یہاں پر لوگ پاؤں دبانے کے لیے بھی ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کے کھانے کے لیے، پینے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ مسافر ہیں آپ، سید ہیں آپ، ووٹ لگا دو ہمارے کھانے میں. تو یہ کیا، پوری دنیا میں آپ جائیں گے پانی کی بوتل بھی آپ کو جو ہے وہ پہلی میں ملے گی، یا سینٹ میں ملے گی، یا یورو میں ملے گی، یا ڈالر میں ملے گی. یہ واحد ملک ہے کہ جہاں کروڑوں کا بجٹ ہے، یہ دو ہفتے یا تین ہفتے کا جو واک ہے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیا نظام ہے؟ بس اس نظام کو دیکھ کے ہی دل کرتا ہے کہ کاش یہی نظام ساری دنیا میں ہو. جو ویلفیئر کا نظام کہا جاتا ہے، امام حسین کی قربانیاں، ٹالرنس، پیشنس، محبت، یہی سکھایا. اور یہی نظام اگر ہماری کوششیں ہوتی رہیں اور ہم اس کے تحت یہاں سے یہی نظام اپنے ملکوں میں ریپلیکیٹ کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریپلیکیشن کے بعد چیزیں بہت کلیئر ہو جائیں گی. عزادار مذہب کربلا، آپ رضا علی بھائی کی بات سن رہے تھے، اور ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام.